नेक्स्ट वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स. इफ वी रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. सो अगर हम एक बॉल को फ्लोर पर रोल करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही रुक जाएगी फ्रिक्शन के कारण. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करता है ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ट्राइज टू स्लो डाउन और स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट. तो स्टॉप फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, या तो स्लो हो जाता है या फिर वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है. फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. वेन वी रब आवर पाम इन विंटर दे बिकम वार्म ड्यू टू फ्रिक्शन. तो वो फ्रिक्शन के कारण हमारी जो हथेलियाँ होती हैं वो गर्म हो जाती हैं. स्टूडेंट्स वी हैव गिवन सम एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन ऑन पेज नंबर 81. यू हैव टू रीड दीज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. तो जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट होता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. द मैग्नेटिक मटेरियल गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट. तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं. मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो एक्सर्टेड ऑन मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल. वेस्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम गार्बेज यूजिंग मैग्नेट. तो मैग्नेट का यूज़ करके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं आयरन के, उनको हम गार्बेज से सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. रब अ कॉम्ब ऑन योर हेयर एंड ब्रिंग इट नियर टाइनी पीसेज ऑफ पेपर. तो हमें क्या करना है कि अपने कॉम्ब को अपने हेयर पर रब करना है और उसको एक पेपर के पीस पर जब आप रखोगे, वॉट हैपन्स, क्या होता है, द पीसेज ऑफ पेपर गेट अट्रैक्ट टू द कॉम्ब. तो जो पेपर के पीस होते हैं वो कॉम्ब की ओर अट्रैक्ट होते हैं. दिस हैपन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के. यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल. सो इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके. इट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट डस्ट एंड स्मोक. दिस फोर्स इज यूज इन फैक्ट्रीज टू प्योरीफाई एयर फ्रॉम द चिमनीज बिफोर लेटिंग द एयर एस्केप आउटसाइड. ओके. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Then we have muscular force. The force exerted by our muscles while performing an action is called the muscular force. हमारी muscles से जब हम कोई action perform करते हैं तो जो force निकलता है उसको muscular force कहते हैं. A weightlifter is able to lift heavy weights because of muscular force. तो जो एक weightlifter होता है वो एक heavy object को lift कर सकता है through the muscular force. नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स. द फोर्स अप्लाइड बाय अ मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स. तो वो फोर्स जो कि मशीन के द्वारा अप्लाई किया जाता है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स. द मैकेनिकल फोर्स ऑफ अ क्रेन हेल्प्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड ऑल्सो टू टाओ अवे व्हीकल्स. तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर हैवी लोड करने के लिए मैकेनिकल फोर्स का यूज़ किया जाता है. ओके. एंड लास्ट वन वी हैव इलास्टिक फोर्स. सो वॉट इज इलास्टिक फोर्स. As you can see in this picture, when a rubber band is stretched, it changes its shape. Okay, so जब एक rubber band को stretch किया जाता है वो अपनी shape को change कर देता है. When it is released, it gets back to its actual shape. तो जब उसको release किया जाता है वो अपनी shape में वापस आ जाता है. This happens due to the elastic force. और ये किसके कारण होता है, elastic force के कारण. Okay, so in the next video we will discuss about energy. So अभी आपको force के बारे में ही read करना है, force के types जो अभी हमने पढ़े हुए हैं.